सोना में हरिभूमि सहकारी समिति आने वाले वर्ष के अंत तक करीब 5000 लोगों को रोजगार देगी और गांव-गांव में महिलाओं को पूरी तरह से आत्मनिर्भर करेगी। समाज सेवी और पूर्व पार्षद पलक वर्मा ने बताया कि महिलाएं जब आत्मनिर्भर हो जाएंगी उसके बाद और बड़े से बड़ा कार्य कर पाएंगी। समिति जो कार्य कर रही है वो महिलाओं के उत्थान के लिए है। वहीं आने वाले समय में समिति से उम्मीद है कि वो महिलाओं को आत्मनिर्भर करने के बाद वृद्ध आश्रम में छोटे बच्चों के लिए कार्य करे ताकि बाल मजदूरी पर रोक लग सके। महिलाओं के लिए जो ये समिति काम कर रही है इससे महिलाओं का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और जब महिलाओं का कॉन्फिडेंस बनता है तो इस महिला का जो उद्देश्य है महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और आत्मनिर्भरता जब महिला में आ जाती है तो वो घर परिवार को तो अच्छे से चलाती ही है, देश और समाज को भी आगे बढ़ाने का काम करती है। तो इसको लेकर आपको कोई अपने विचार है कि जिस तरह ये समिति कार्य कर रही है इसको? इसको लेके मेरा विचार ये है कि ये समिति मैं तो कहती हूँ कि बहुत आगे बढ़े और इसके आगे बढ़ने का उद्देश्य हम सबका ये है कि यहाँ पर हम महिला आश्रम खोलें, वृद्ध आश्रम खोलें, छोटे बच्चों के लिए काम करें। और छोटे बच्चों के लिए काम करेंगे तो आज देखो आप लेबर चाइल्ड है, गर्ल सेफ चाइल्ड है, ये सारी इतनी कुरूतियां हमारे समाज में बढ़ रही हैं। तो इस समिति का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि इन कुरूतियों को दूर करके अपने शहर को, अपने समाज को बहुत अच्छे से आगे बढ़ाएं। सहकारी समिति के डायरेक्टर ने बताया कि पूरे साल के लिए एक योजना तैयार की है जिसके आधार पर 5000 से अधिक लोगों को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। समिति घर घर और गांव गांव जाकर घरेलू उद्योगों को लगाएगी। ये जो आज हमने दी हरिभूमि मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी का कार्यक्रम किया है, ये हमने महासंक्रांति के पर्व पर एक भंडारे का आयोजन किया है और इसमें करीब हमने शहर के 100-200 लोगों को बुलाकर मुख्य जो मौजूद लोग हैं उनको बुलाया है, उनको सम्मानित किया है और अपनी सोसाइटी के बारे में बताया है कि ज्यादा से ज्यादा इस सोसाइटी से लोगों को जुड़वाएं ताकि लोगों को घर घर में बैठे रोजगार मिले, उनको लोन लेने में परेशानी ना हो। उनको जो आपकी समिति है उसका क्या उद्देश्य है और अब तक क्या क्या कार्य कर चुके हैं और क्या आपने टारगेट रखा है इस साल के लिए? उसका जो हमने टारगेट रखा है, हमने करीब 5000 लोगों को रोजगार देने की योजना बनाई है। अब तक कितने को दिया है? हमने अब तक 150 लोगों को रोजगार दे चुके हैं। किस तरह का रोजगार देते हैं महिलाओं को? हम घरेलू उद्योग लगवाते हैं, कोई महिला नमकीन पैक करती है, कोई चाय की पत्ती पैक करती है, कोई बेसन पैक करती है, कोई बनाती है, कोई मोमबत्ती बनाती है, कोई तकिया बना रही है, कोई सिलाई कर रही है, तो इसमें इस तरह के अचार डालने, पापड़, जो सामान वो बनाते हैं उसको आप कहाँ बिकवाते हैं? हमने अपने कोऑपरेटिव सोसाइटी का मार्केटिंग बोर्ड बनाया है। उस मार्केटिंग बोर्ड के तहत हम लोगों को सेल्समैन बनाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरशिप देते हैं, उनको जॉब देते हैं और उनको आगे जाकर के हम मार्केट में बेच देते हैं। तो अगला फोकस क्या रहेगा इस ऊपर? अगला फोकस हमारा ये है कि हम इसमें जो है ना ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगाने जा रहे हैं और लोगों को लोन भी दे रहे हैं, लोग अपने साथ जोड़ रहे हैं, ये हमारा इस पर मुख्य उद्देश्य यही रहेगा। लोगों की रोजगारी के लिए, लोगों को रोजगार इसका ज्यादा इसमें हुआ है। सहकारी समिति के मुताबिक वो अब तक 150 से अधिक महिलाओं को रोजगार देकर आत्मनिर्भर बना चुकी हैं। समिति का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को, गरीब लोगों को आत्मनिर्भर करना है। बहरहाल इससे पहले सहकारी समिति ने अग्रवाल धर्मशाला में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया जिसमें 100 से अधिक लोगों को सम्मानित किया। सोना से संजय राघव की रिपोर्ट। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।